हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर हमने पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उस वीडियो के अंदर हमने ऑटोमोबाइल का क्लासिफिकेशन किया था। अब आगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं चेसिस एंड टाइप्स ऑफ लेआउट फॉर ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। कंटेंट है आज की प्रेजेंटेशन का चेसिस इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ चेसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स। इंट्रोडक्शन के अंदर चेसिस इज द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑटोमोबाइल। चेसिस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑटोमोबाइल के लिए। इट इज़ अ स्केलेटन फ्रेम with various mechanical parts like engine, tire, brake, steering and axle assemblies। जो human body के लिए skeleton होता है, वैसे ही automobile के लिए skeleton है ये chassis, जो जिसके ऊपर engine, tires, brake, steering and axle assemblies को लगाया जाता है। Usually made of light metal or composite plastic, which provides strength needed for the supporting vehicle components and load on it। जो चेसिस है हमारी वो लाइट मेटल, जो हल्की धातु आती है उससे बनती है, या कंपोजाइट प्लास्टिक, प्लास्टिक को कंपोजाइट करके बनाई जाती है, जो स्ट्रेंथ देती है ऑटोमोबाइल को। स्ट्रेंथ मीन्स मजबूताई, जो चाहिए ऑटोमोबाइल व्हीकल को वो प्रोवाइड करती है। टाइप्स ऑफ चेसिस: लैडर फ्रेम चेसिस, ट्यूबुलर फ्रेम, स्पेस फ्रेम चेसिस, मोनोकोक फ्रेम चेसिस, यूएलएसएबी मोनोकोक चेसिस। यहाँ पे फ्रेंड्स यूएलएसएबी कंसीडर करें, यूएलएसएबी। बैकबोन फ्रेम चेसिस, एल्यूमिनियम स्पेस फ्रेम, कार्बन फाइबर मोनोकोक। इन सब चेसिस के टाइप्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले है लैडर चेसिस। ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो लैडर चेसिस की है। जो शेप है चेसिस का वो लैडर की तरह है, मतलब जो लेटने का चेयर टाइप आता है लैडर, उसकी तरह। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चेसिस दैट इज स्टिल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एसयूवीज टिल टुडे। ये बहुत काफ़ी टाइम से यूज हो रहा है ये चेसिस का टाइप, लेडर चेसिस, जो अभी भी यूज होता जा रहा है एसयूवीज कार के अंदर। कैसे बनता है? तो कि रिसेंबल अ शेप ऑफ लेडर विच हैविंग टू लॉन्जिट्यूडिनल रेल्स। जो यहाँ के जो लॉन्जिट्यूडिनल रेल्स हैं, मतलब ये वाला, इन दोनों को इंटरलिंक किया जाता है सेवरल लेटरल और क्रॉस ब्रांचेस से, मतलब ये जो ब्रांचेस हैं उनसे इनको वेल्डिंग करके कनेक्ट किया जाता है। इस तरह से ये लेडर चेसिस फॉर्म होता है। द लेटरल एंड क्रॉस मेंबर्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू स्ट्रक्चर। जो क्रॉस बार्स हम प्रोवाइड करते हैं वेल्डिंग करके, उसकी मदद से इसको रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। एडवांटेज क्या है? तो कि इट हैज़ नो मच एडवांटेजेस दिस डे, इजी एंड चीप फॉर हैंड बिल्डिंग। मतलब कि ये जो पहले से यूज़ होता आ रहा है और इजी है मैन्युफैक्चर करने के लिए, एंड इतना महंगा भी नहीं है, सस्ता होता है, हाथ से बनाया जा सकता है वर्कर की मदद से। जो डिसएडवांटेजेस है, सिंस टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर टॉर्शनल रिजिडिटी इज मच लोअर देन अदर चेसिस, स्पेशली विद वर्टिकल लोड्स और बम्प्स। जो इसका स्ट्रक्चर है वो टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल नहीं है, इसलिए जो रिजिडिटी है वो टू डायमेंशनल ही उसके लिए ज़्यादा होगी। अगर उसको टॉर्शनल लोड उस पर आता है तो वो इतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा उसके सामने, इसलिए वो बेंड हो सकता है। जो बम्प और गड्ढा आता है उस वक्त तो बेंड हो सकता है लाइक दिस।
ऐसे वो बैंड हो सकता है और ऐसे भी। वो यूज इट कहाँ पे यूज़ होता है, तो मोस्ट ऑफ एक्सयूवीज कार, क्लासिक कार्स, लिंकन टाउन कार, फोर्ड क्राउन, विक्टोरिया ईटीसी जो कार है वो यूज़ होती है, उसके अंदर हम ये लेडर चेजेस को देख सकते हैं। अगली वाली है बैकबोन चेजेस, इसके नाम के ऊपर से हम लोग देख सकते हैं कि बैकबोन चेजेस यानी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी, उसी तरह से व्हीकल के लिए ये बैकबोन चेजेस है जो व्हीकल को एक स्ट्रेंथ देती है। इट हैज़ अ रेक्टेंगुलर ट्यूब लाइक बैकबोन एंड सिंपल इन स्ट्रक्चर, जो ये बीच वाला पार्ट है इसका वो रेक्टेंगुलर ट्यूब है जो बैकबोन जैसा दिखता है। मेड ऑफ ग्लास फाइबर इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग फ्रंट एंड रियर एक्सल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ। ये जो है वो ट्यूब रेक्टेंगुलर ट्यूब वो ग्लास फाइबर से बनता है जो रियर एक्सल एंड फ्रंट एक्सल को जॉइंट करता है। स्पेस विद इन द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पोजिशनिंग ड्राइव शाफ्ट इन केस ऑफ रियर व्हील ड्राइव। ये जो फिगर है उसके अंदर ये इंजन फ्रंट में दिया गया है, अगर रियर व्हील ड्राइव होता मतलब कि इंजन की जो पावर है वो पिछले वाले टायर को दी जाएगी, तो उसके अंदर जो यहाँ ट्यूब सेक्शन है उसका, इसके अंदर हम ये होलो स्पेस का यूज़ हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट के लिए कर सकते हैं। ड्राइव ट्रेन इंजन एंड सस्पेंशन आर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द चेजेस। ड्राइव ट्रेन इंजन एंड सस्पेंशन आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ द चेजेस। एडवांटेज स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर स्मॉलर स्पोर्ट्स कार एंड मोर स्पेस सेविंग अदर देन मोनोकोक चेजेस। जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कौन सी छोटी स्पोर्ट्स कार के लिए, मोस्ट स्पेस सेविंग जगह कम रोकती है एंड मोनोकोक चेजेस से कम जगह रोकती है। ये डिसएडवांटेज है, डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइड इम्पैक्ट ऑफ और ऑफसेट क्रैश एंड नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर हाई स्पीड कार। जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि बैकबोन चेजेस जो है वो साइड लोड से उसको रजिस्ट नहीं कर पाएगी एंड हाई स्पीड कार के लिए भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। किस में यूज़ होती है, तो कि लोटस एस्प्रिट, एलाइन MK2, TVR एंड मोक्रॉस, इन सब गाड़ियों के अंदर ये चेजेस देखने को मिलेगी। अगली वाली है मोनोकोक चेजेस, इसके अंदर देख सकते हैं आप कि ये एक पूरी के पूरी व्हीकल का स्केलेटन ही दिखता है आपको, ये पूरा व्हीकल ही बन जाता है। इसके अंदर यूनिबॉडी है मतलब एक ही पार्ट के अंदर सब आ जाते हैं। मोस्ट मॉडर्न कार यूज्ड दिस टाइप, आजकल के सभी गाड़ियों के अंदर ये मोनोकोक चेजेस यूज होती है। अ सिंगल पीस ऑफ फ्रेमवर्क दैट गिव शेप टू द एंटायर कार एंड बिल्ड बाय वेल्डिंग सेवरल पीस टुगेदर। अ सिंगल पीस ऑफ फ्रेमवर्क दैट गिव शेप, ये सिंगल पीस फ्रेम ही है जो पूरी की पूरी कार का शेप ले लेती है। कैसे बनती है, तो कि ये पूरी हम लोग कास्ट नहीं कर सकते दोस्तों, इसे हम एक ही साथ नहीं बना सकते, इसे अलग अलग पार्ट को वेल्डिंग करके बनाया जाता है। डिमांड फॉर मोनोकोक चेजेस इज इंक्रीज्ड बिकॉज इट इज़ सूटेबल फॉर रोबोटाइज्ड प्रोडक्शन। इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ये सूटेबल है, जो ये मोनोकोक चेजेस है वो रोबोटाइज प्रोडक्शन मतलब कि जो कंपनीज के अंदर रोबोट जो प्रोडक्शन करते हैं वो इसका प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर हमको लेबर की, मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोबोट इसका प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं, इसलिए इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। एडवांटेज है इनहेरेंटली गुड क्रैश प्रोटेक्शन एंड इट इज़ स्पेस एफिशिएंट एंड चीप फॉर मास प्रोडक्शन। ये जो है वो क्रैश कोई भी साइट से हो उसको रेजिस्ट कर सकती है, स्पेस एफिशिएंट
मतलब कि पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होगी। चीप फॉर मास प्रोडक्शन करने के लिए सस्ती चेचिस हैं, एक साथ हमारा मास प्रोडक्शन हो सकता है। डिसएडवांटेज है हैवी, मतलब कि उसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इम्पॉसिबल फॉर स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन, छोटे प्रोडक्शन के लिए, स्मॉल वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही महंगी पड़ेगी। वो यूज़ इट नियरली ऑल मास प्रोडक्शन कार ऑल करंट पोच है, जितनी भी गाड़ियाँ आती है वो 80% गाड़ियों के अंदर ये चेचिस हमको देखने को मिलेंगी। टेब्यूलर स्पेस फ्रेम, ये जो फ्रेम का ये जो चेचिस टाइप है वो स्पोर्ट्स कार के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि ये आती है मोनोकोक के जैसे, बट इसके अंदर जो हमने सब ट्यूब और स्क्वायर को वेल्डिंग करके बनाया जाता है। थ्री डायमेंशनल डिज़ाइन एम्प्लॉइंग नंबर ऑफ सर्क्यूलर एंड स्क्वायर सेक्शन ट्यूब्स, थ्री डायमेंशनल डिज़ाइन बनता है जो नंबर ऑफ सर्क्यूलर एंड स्क्वायर सेक्शंस को इकट्ठा करके बनाया जाता है। ट्यूब्स आर पोजिशनड इन डिफरेंट सेक्शंस टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगेंस्ट फोर्स फ्रॉम एनीवेयर। ट्यूब्स आर पोजिशनड इन डिफरेंट सेक्शंस, ट्यूब्स को अलग अलग जगह पे पोजिशन किया जाता है जिसकी मदद से पूरे स्ट्रक्चर को मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि कोई भी जगह से क्रैश हो तो ये रेजिस्ट कर सके। ट्यूब्स आर वेल्डेड टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बनाने के लिए। वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन कंपेयर्ड विथ लेडर एंड मोनोकोक चेचिस ऑफ द सेम वेट, जो मोनोकोक चेचिस है उससे उसके जितने वेट के लिए वो कंपैरिजन में ये जो ट्यूबुलर चेचिस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मोनोकोक चेचिस से। एडवांटेज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एनी डिरेक्शन, मतलब कि जो ट्यूबुलर फ्रेम है वो कोई भी तरह से कोई भी डायरेक्शन से अगर उसके ऊपर लोड आएगा तो वो उसको रेजिस्ट कर सकेगी। डिसएडवांटेज वेरी कॉम्प्लेक्स, बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग टू बिल्ड एंड एंगेजेस अ लॉट ऑफ स्पेस, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी रुकेगी। रेज द डोर सी एंड रिजल्ट इन डिफिकल्ट एक्सेस टू द केबिन, जो डोर हमारा आता है उसको ऑपरेट करने के लिए भी ये प्रॉब्लम उसके अंदर क्रिएट होता है। वो यूज़ इट ऑल फरारी बिफोर 360M मॉडल, लैम्बोर्गिनी डियाब्लो, जैगुआर XJ220, कैटरहम, ये सब गाड़ियों के अंदर हमको ये ट्यूबुलर चेचिस हमको देखने को मिलेगी। ULSB मोनोकोक चेचिस, यहाँ पे ULSB मतलब अल्ट्रा लाइट स्टील ऑटो बॉडी। ट्रेडिशनल स्टील मोनोकोक चेचिस बिकम्स हैवियर देन एवर, जो हमने मोनोकोक चेचिस देखी थी वो काफ़ी ज़्यादा वेट में होती है। एज अ रिजल्ट कार मेक्स टर्न टू रिप्लेस स्टील विथ एल्यूमिनियम, जो मोनोकोक चेचिस के अंदर हम लोग स्टील फ्रेम बना देते हैं वो स्टील की जगह पे एल्यूमिनियम का यूज़ किया जा रहा है, उसको मिक्स किया जा रहा है। मोर कार यूज एल्यूमिनियम इन बॉडी पैनल्स, अमेरिकन स्टील मैन्युफैक्चरर्स हायर्ड पोर्शे इंजीनियर सर्विस टू डेवलप अ न्यू काइंड ऑफ स्टील मोनोकोक टेक्नोलॉजी कॉल्स अल्ट्रा लाइट स्टील ऑटो बॉडी। ये जो अल्ट्रा लाइट स्टील जो बनाया गया है अमेरिकन स्टील मैन्युफैक्चरर्स को हायर किया गया था और उन सब ने मिलकर ये अल्ट्रा लाइट स्टील ऑटो बॉडी बनाया है, जो नॉर्मल स्टील से वजन में हल्का होता है और उसे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आता। एडवांटेज स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर देन कन्वेंशनल मोनोकोक विथाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे मैंने कहा था सेम स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर
ज़्यादा मजबूत एंड हल्का कंपेयर टू मोनोकॉक चर्चेस एंड विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस, स्टिल नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर बेस्ट स्पोर्ट कार। जो हाई स्पीड कार आती है उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं है इनफ। वो यूज इट ओपेल एस्ट्रा एंड BMW 3 सीरीज। इन दोनों कार्स के अंदर हम जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कार्बन फाइबर मोनोकॉक चर्चेस जो अल्ट्रा लाइट स्टील हमने बनाया था उसकी जगह पे अब कार्बन फाइबर का यूज़ करके भी मोनोकॉक चर्चेस बनाई जा सकती हैं। कार्बन फाइबर इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मटेरियल यूजिंग इन एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप्स एंड रेसिंग कार्स। कार्बन फाइबर है वो हल्का मटेरियल है एंड ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मटेरियल है कंपेयर टू स्टील बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर रिजिडिटी टू वेट रेशियो। इसका जो वेट रेशियो है, दोनों अगर सेम वेट के लिए जाए, स्टील एंड कार्बन फाइबर दोनों, एक फॉर एग्जांपल हमने एक एक केजी लिए है, तो उसके अंदर रिजिडिटी जो है ज़्यादा किसकी होगी, कार्बन फाइबर की होगी, स्टील की नहीं। इसलिए उसके इस एडवांटेज की वजह से ये कार्बन फाइबर है वो ज़्यादा मजबूत है। सेवरल कार्बन फाइबर यूज्ड इन मोटर इंडस्ट्रीज लाइक केलवर विच इज रिजिडिटी टू वेट रेशियो अमोंग देम एंड कैन बी फाउंड इन बॉडी पैनल्स ऑफ मेनी एक्सोटिक कार्स। जो केलवर कार्बन फाइबर है वो काफ़ी सारी कार्स में, महंगी रेस कार्स जो है, जो मर्सिडीज़ है, ओडी है, उसके अंदर किस कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर हम लोग इस कार्बन फाइबर को देख सकते हैं। एडवांटेजेस, लाइटेस्ट एंड स्टीफेस्ट चेसिस, हल्की एंड मजबूत। डिसएडवांटेजेस, द मोस्ट एक्सपेंसिव। ये काफ़ी कॉस्टली है, कार्बन फाइबर है वो यूज इट। MC लॉरेन F1, बुगाटी EB110SS, फरारी F15, इन गाड़ियों के अंदर हम लोग ये कार्बन फाइबर बॉडी को देख सकते हैं। आगे है दोस्तों टाइप्स ऑफ लेआउट। यहाँ पे मेनली 5 टाइप्स ऑफ लेआउट हमको देखने को मिलेंगे। पहला है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। क्या आता है इसके अंदर, तो कि जो इंजन है हमारा गाड़ी का वो फ्रंट में माउंट किया गया है और जो इंजन से निकलने वाला पावर है वो भी फ्रंट व्हील को दिया जा रहा है। तो इसके एडवांटेज क्या है, तो इसकी जो टायर की ग्रिप है वो मजबूत होती है क्योंकि सारा वेट ज़्यादा है वो ड्राइविंग व्हील के ऊपर लगा होता है, ताकि तो इसकी मदद से ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा मिलता है। दिस कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल इन एडवर्स वेदर कंडीशन। जो वेदर जो है वो मॉइस्चराइज्ड हो जाता है, मतलब कि रोड जो है वो गीला होता है कई जगहों पर, तो वहाँ पे टायर की पकड़ मजबूत होती है। दूसरा है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। इंजन फ्रंट में माउंट किया गया है लेकिन इंजन से निकलने वाला पावर वो रियर व्हील को दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। तो क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो गाड़ी का अच्छा होता है फ्रंट व्हील फ्रंट इंजन के कंपैरिजन में, लेकिन ट्रैक्शन जो है वो थोड़ा लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वज़न है वो ड्राइविंग व्हील्स के ऊपर नहीं है, यहाँ पे रियर व्हील्स ड्राइव करते हैं एंड फ्रंट व्हील्स उसे फॉलो करते हैं। थर्ड वाला है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। प्रोवाइड्स लार्जर लोड ऑन द रियर ड्राइविंग व्हील्स। जहाँ यहाँ पे इंजन जो है वो पीछे के व्हील के ऊपर दिया जाता है, इसका बेनिफिट ये है कि हमको ट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कार का जो बैलेंसिंग है वो कुछ हद तक बिगड़ जाता है क्योंकि जो दिखते हैं ना कि यहाँ पे लिखा है हाउएवर इट बिकम्स टेल हैवी। टेल हैवी मीन्स पीछे का भाग है वो ज़्यादा भारी हो जाता है जिसकी मदद से गाड़ी को कंट्रोल थोड़ा ऊँचा हो जाता है, कम हो जाता है।
It also reduces luggage space as the passenger seats need to be moved forward in order to accommodate the engine. जो पीछे हमारी लगेज स्पेस आती है वो भी इसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इंजन रियर व्हील के ऊपर लगा होता है। इसके बाद आता है मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव। मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव के अंदर ये इंजन प्रोवाइड्स गुड व्हीकल हैंडलिंग एंड गुड ट्रैक्शन एट द रियर व्हील्स। इसके अंदर उनको ट्रैक्शन भी अच्छा मिलेगा एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी व्हीकल का अच्छा होगा। They are normally found on two-seater sports car where these factors are important. जो टू व्हीलर स्पोर्ट्स कार है उसके अंदर हम इस तरह की अरेंजमेंट को देख सकते हैं। और जो हमारी इंडियन कार है जो वान आती है उसके अंदर भी इस तरह से ही पोजिशन किया होता है। जो इंजन है वो नीचे की साइड रियर व्हील से आगे होता है। पांचवा और आखिरी वाला है ऑल व्हील ड्राइव। दिस अरेंजमेंट इज सेफर बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्राइव टू ऑल फोर व्हील्स। इसके अंदर क्या होता है जो हमारा इंजन पावर है वो चारों के चारों व्हील को दिया जाता है। द शेयरिंग ऑफ द लोड बिटवीन द फोर व्हील्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ व्हील स्पिन स्पेसिफिकली ऑन स्लिपरी सरफेस लाइक स्नो एंड मड। जैसे ही हम लोग चारों व्हील्स को पावर देते हैं उसकी वजह से क्या है कि व्हील को स्लिप जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि एक व्हील अगर स्लिप होगा तो बाकी के तीन टायर्स फोर्स लगाएंगे। इन एडिशन द पॉजिटिव ड्राइव टू ईच व्हील ड्यूरिंग ब्रेकिंग मिनिमाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ व्हील लॉकअप। जो ब्रेक लगाने के दौरान व्हील लॉकअप होता है वो पॉसिबिलिटीज़ भी कम हो जाएगी। एंड जैसे ही हम ब्रेक छोड़ेंगे पॉजिटिव ड्राइव जो फोर्स होता है आगे बढ़ने के लिए वो भी ज़्यादा लगेगा। ऑन एन आईसी रोड और अक्रॉस ऑफ हाईवे और टू व्हील ड्राइव व्हीकल सून बिकम्स नॉन ड्राइवेबल ड्यू टू द लॉस ऑफ ग्रिप ऑफ वन ऑफ द ड्राइविंग व्हील व्हिच कॉजेस द व्हील टू स्पिन। जो हमारी टू व्हील ड्राइव होती है वो ऑफ रोड यानी कि रोड के अलावा अगर हम कहीं पर भी चलाएंगे तो उसके अंदर हमारा पावर लॉस होता है क्योंकि कोई भी एक व्हील अगर पकड़ नहीं बना पाता ट्रैक्शन नहीं कर पाता तो हमारा व्हील स्लिप होगा और हमारा पावर लॉस होगा। उसके बजाय अगर फोर व्हील ड्राइव है तो हमारा पावर लॉस कम होगा और हमारा ट्रैक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। फिगर में हमको दिखाया गया है जो फोर व्हील ड्राइव है उसके अंदर पावर कैसे सप्लाई किया जाता है। ये दोस्तों इंजन है आगे की ओर लगाया हुआ। इस इंजन में से दोनों फ्रंट व्हील को भी पावर मिल रहा है एंड प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से एंड रियर डिफरेंशियल की मदद से पीछे के व्हील को भी पावर दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोस। कीप शेयरिंग। थैंक यू।